तो दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल में गूगल डायलर यूज़ करते हैं और जो गूगल डायलर का कलर है वो कलर आप चेंज करना चाहते हैं, कैसे चेंज होता है इसके बारे में आपको बताने वाला हूं, या कलर आपका यहां पे चेंज हो रहा है उसको अगर बंद करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपको यहां पे कलर देखने को मिल जाता है। उसी प्रकार अगर आप यहां पे दूसरे डिवाइस में देखें तो इसका गूगल डायलर का जो कलर है वो आपको इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि गूगल डायलर के कलर को आप कैसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो पहला सेटिंग आपको क्या करना है, ऊपर में थ्री डॉट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले गूगल डायलर को आपको प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद थ्री डॉट में जाना है, देन आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले ऑप्शन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद चूज थीम वाला ऑप्शन मिलेगा, अगर ये आपका लाइट और डार्क में सेट किया तो इसको आपको सिस्टम डिफॉल्ट पे सेट कर देना है। देन आपको ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहां से बैक हो जाना है और बैक होने के बाद अभी फिलहाल देख सकते हैं इस प्रकार का आपको यहां पे कलर देखने को मिल जाएगा। देन दोस्तों अगर आप यहां पे अपने गैलरी में जाते हैं या कोई भी वॉलपेपर को यहां पे इनेबल करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं काफी सारे वॉलपेपर यहां पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहां पे रेड वाले वॉलपेपर को यहां पे सेट करता हूं अपने होम स्क्रीन में, तो आपको थ्री डॉट में जाना है, देन सेट एच वॉलपेपर पे जाना है और इसमें जाने वाले अप्लाई पे क्लिक करना है और आपको सेट बोथ वाला जो ऑप्शन देखने मिला है इस पे सेट कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहां पे सेट कर लीजिएगा, सेट करने बाद आपको यहां से बैक हो जाना है, गूगल डायलर को ओपन कर लेना है। गूगल डायलर को दोस्तों जैसे आप यहां पे ओपन कीजिएगा तो आप यहां पे देख सकते हैं गूगल डायलर का जो कलर है वो आपको यहां पे चेंज देखने मिलेगा। फिर से मैं आपको यहां पे दोबारा दिखा देता हूं, तो जैसे आप यहां पे देख सकते हैं ये आपको कलर देखने मिल रहा है। यहां पे दूसरे कलर को मैं एक बार ट्राई करके आपको दिखा देता हूं, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं ये ब्लैक कलर देखने मिल रहा है। थ्री डॉट में जाना है, देन आपको सेट एज वॉलपेपर में जाना है, अप्लाई में जाना है और सेट बोथ पे क्लिक कर देना है, इसको अप्लाई कर देना है और अप्लाई करने के बाद आपको यहां से बैक हो जाना है। यहां पे देखिए होम स्क्रीन का कलर चेंज हो चुका है और उसके बाद गूगल डायलर को ओपन कीजिएगा तो गूगल डायलर का कलर भी आप यहां पे देख सकते हैं ये चेंज होना चालू हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहां पे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चेंज नहीं करना है तो आप थ्री डॉट में जा सकते हैं, सेटिंग में जाए और आपको डिस्प्ले ऑप्शन वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद चूज थीम में जाना है, या तो आप यहां पे लाइट मोड या डार्क मोड को यूज कर सकते हैं। डार्क मोड को यूज कीजिएगा तो जो भी थीम है आपको यहां पे डार्क मोड में देखने को मिलेगा। इस प्रकार आप यहां पे देख सकते हैं डार्क मोड में ये आ जाता है, इसमें ज्यादा आपका चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से गूगल डायलर का जो कलर है वो आप यहां पे चेंज कर सकते हैं।